इनको अटेंडेंस नहीं दे पाए कर रहे मुड़ो तो ये माइकी की दादी अभी पहली बार वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जी, आज है 12 सितंबर, 12 ही है ना अंशु, 12 ही है 12 ही, हाँ तो 12 सितंबर है। और अभी अभी हम लोग पहुँचे हैं अपने ट्रिप से, तो ये ट्रिप के बाद का ब्लॉग है, लेकिन उसी दिन का है, शाम के टाइम, यानी कि अभी हम लोग पहुँचे हैं 5 बजे घर मम्मी को लेके। तो अभी आज ही यहाँ पे फंक्शन भी था, तभी हम लोग आज ही आ गए, नहीं तो आज हमने आज हमने मामा जी के पास रुक जाना था जो पिछला ब्लॉग था। तो हम इस फंक्शन के लिए आ गए हैं क्योंकि मेरे भाई और भाभी के हो गया है पोतरू, वही पोतरू, तो छोटा सा नन्ना नन्ना राजकुमार आ गया उनके घर में। तो उस खुशी में वहाँ पर पार्टी है, यानी कि हूँ बोलते हैं मेरे मायके में, हूँ मैं, तो 11-12 दिन के बाद शुद्धि होती है, तो वो है फंक्शन है। तो जो छोटा सा बेबी है उसके ननिहाल से छाबी आती है तो छाबी आई है, तो वो सब गिद्धा है, लेकिन वो अभी तक ख़त्म भी हो चुका होगा, लेकिन हमें जाना है, थोड़ा सा शगुन वहाँ पे देना है, तो उस चीज़ के लिए जा रही हूँ मैं। तो संजू चला गया, आते ही मम्मी को रेस्ट करवाया, यहाँ पे पानी वगैरह पिया हमने, और वैसे ही हम फंक्शन पे जाने वाले, लेकिन मैंने अभी अपनी ड्रेस चेंज करनी है, फिर भी मैं वही सूट पहनूंगी क्योंकि मेरे सारे कपड़े अभी नीचे रूम पे हैं, तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और साथ में आधे कपड़े गाड़ी में ही रह गए हैं क्योंकि पूरा सामान हम लोग उठा के नहीं ला पाए हैं। तो जो मेरे पास पिछला सूट था ना, एक ही सूट मैंने पहना हुआ है पूरे ट्रिप में, तो वही मैं अभी भी पहनने वाली हूँ, तो एक बारी में गंदा हो जाएगा, उसके बाद ही उसको धो के फिर रख दूँगी बाद में प्रेस करके, तो अच्छी तरह से उसको रगड़ लिया है, फिर उसके बाद ही उसको खोलूँगी, अब बोलने का मतलब ये है। तो पहन लेती हूँ वो कपड़े और फिर चलती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को नन्ना मुन्ना राजकुमार किसके घर में आया है। तो वैसे मैं पहले भी मिला चुकी हूँ आप लोगों को उनसे, हमारे बालक्राम भाई और सुनीता भाभी जी के घर में उनका पोता आया है सन्ना कुमार, तो मिलाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे साथ अंशु भी होगी, तो अंशु भी आ गई है और लोगों को बताया है, ये देखो अंशु तो रेडी होके आ गई है आते ही सबसे पहले अपना मेकअप कर लिया इसने बोले का मतलब हाथ मुंह धो लिया, मेरा तो अभी पसीने से बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जी बहुत सुंदर दिख रही है तू, तो जी चल पड़े हैं, मैंने तो मुंह भी नहीं धोया है, बिना मुंह धो के एक शगुन कार्ड उठा के चल पड़ी हूँ और ये देखिए मक्की कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, गिर भी गई है कुछ, अब तो मक्की खाने के भी मज़े आ जाएंगे यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं किया वैसे मैंने, सच में ऐसे ही चल पड़ी हूँ अपना सूट पहन के, और ये देखिए कद्दू की बेल यहाँ पे, घर एकदम हमारे घर की बैक साइड को, ये ऊपर की तरफ को है, तो वहीं पर ही जा रहे हैं अभी हम लोग, और चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। ढोल की बजरी थी अभी, लेकिन वो बंद हो गई, पता नहीं हमारे जाते ही ढोल की बंद कर दी उन्होंने, अब मैं बोलूँगी क्योंकि बंद चलाओ भाई उसको, हम तो अभी पहुँच रहे हैं, हमें भी नाचना है थोड़ी देर क्यों अंशु अंशु को भी शौक है नाचने का। तो ये देखिए जी पहुंच गए हम लोग घर में, लेकिन डीजे वगैरह देख सकते हैं आप लोग, भाई डीजे तो यहाँ अभी तैयार है, लेकिन माहौल कुछ शांति है, ये देखिए गीता बंद करता तो भी यहाँ से आए देखिए चुप है बिल्कुल मुबारक हो जी मुबारक हो, ये तो क्या है कैमरे कैमरे की टक्कर हो रही है भाई वहाँ से, ये मेरे बुआ जी है, बहुत बड़े ब्लॉगर है ये, ठीक है, मंजू नालंदा आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आज आपको मिलाती हूँ अपनी बुआ जी से, शायद किसी को मैक्सिमम को तो पता भी नहीं होगा नहीं कि हम दोनों सेम ही गाँव से है, टक्कर हो रही है टक्कर, सेम ही गाँव से नहीं है भाई, हम एक ही है, एक ही खानदान है हमारा, खानदान एक ही है, हम एक ही है। ये मेरे बुआ जी मतलब ये बहुत तगड़े ब्लॉगर है, आपको तो पता ही होगा मंजू नालंदा इनका, हाँ पता है सबको, मैं तो अब नई नई बनी हूँ, हम तो अब नए नए, ये मजे वो का लगा रहे भाई, ये आई सपना ऊपर के दादी बेटा हुआ है उसके दादा और दादी है, परदादा और दादा, दादी को बुलाती हूँ, नमस्ते जी नमस्ते।
ये बुआ है, ये बेटी की बुआ है, भाई हमारे मनोज भाई पहले मिला है आप लोगों को। सबसे पहले पहुंच गए राजिया। नमस्ते अबू वगैरह। नमस्ते नमस्ते दीदी। दिव्या आईडी आपको पता है फेसबुक पे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो बच्चा हुआ है उसके ननिहाल वाले जा चुके थे, तो यहाँ पे सिर्फ अपने ही परिवार वाले हैं जो बैठे हैं, वही अब गिद्दा लगा रहे हैं। तो नाचने का मन ही नहीं हुआ क्योंकि बहुत कम थे। तो ये है मेरे भाई बालकराम भाई, जिनके हुआ है पोता। तो पहले शादी हुई थी, वही साल से पहले ही पोता हो गया इनके घर में। किनोरी टोपी लगाई आपने, कहाँ से लगा दी आज किनोरी टोपी? मेरे कुड़म किनोर के भी। अच्छा कुड़म भी इनके किनोर के। तो कुड़म मतलब जो समधी होते हैं, कुड़म हमारे लोकल भाषा में मेरी बहू के मामा जी वगैरह। हाँ किन्नौर से। तो किन्नौर वाले भी आपको याद करते हैं, आपके दोस्त भी याद करते हैं आपको, याद है उनकी भी आपको? याद है, आर्मी में रहे हमारे भाई जी। भाई ऐसा नहीं है आर्मी रिटायर है बंदा भाई बहुत शरीफ है मेरे भाई, पता है ताऊ जी के बेटे है मेरे। तो मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बहुत बहुत। ठीक है तो जी एक और बहू रानी आ गई है। मेरी बहू रानी पहले मिला, शादी में गए थे हम लोग सेट लाई में, ठीक है, और बरात गए थे हम लोग नाम भूल गया नाम भी भूल जाती हूँ बल्लू की शादी में। और मैंने शॉर्ट भी बनाया था इसके साथ, बहुत ही प्यारा शॉर्ट था जो बहुत से लोगों ने पसंद किया था, काफी पसंद आया था सब लोगों को। तो फिर मुबारक हो, बन गई क्या बनी? चाची ताई, ताई बन गई है, ताई है भाई ताई। और यहाँ पे भी है भाई, वैसे इनसे तो मैं मिला चुकी बाहर है ना, तो इनसे मिला लेती हूँ। ये है मामी, मतलब सूरज की मामी, जिसके बेटा हुआ है उनकी मामी है, ठीक है, ठीक है। और ये है दादी भाई बेटे की दादी, तो मुबारक हो भाभी। तो आप लोगों को मिला देती हूँ जो नया नया नन्ना नन्ना राजकुमार आया है उसकी मम्मी से। ये है अलका, सबसे पहले मिल लीजिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसी है तबीयत? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। कितने दिन हो गए आप? 11 दिन हो गए। और बच्चा तो यहाँ पे है लेकिन अभी मुंह नहीं दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि नजर लग जाती है होता ही है, तो छोटे बच्चे के चेहरा नहीं दिखाएंगे, वो आप लोगों को बिल्कुल ब्लर रखेंगे। और साथ में मैं देख लेती हूँ पहले, ठीक है, माफी चाहते हैं, आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, मैं देख लेती हूँ और शगुन दे देती हूँ पहले, ठीक है। और इसके साथ साथ फंक्शन में मिल गए हमें हमारी मासी। मैंने बोला था ना हमारे पड़ोस में एक और मासी है, तो मासियाँ बहुत है मेरे मायके में। तो इनके ऋषि पंचमी के व्रत, मैंने बताया था आप लोगों को ऋषि पंचमी के व्रत थे 8 तारीख को, तो उस दिन ही हम लोग चले गए थे अपने ट्रिप पे, जिस वजह से मैं ऋषि पंचमी के व्रत में इनको अटेंडेंस नहीं दे पाई। तो मासी यहीं पे मिल गए और ये देखिए मुझे शगुन कार्ड दे रहे हैं। जय हो मासी, आपका व्रत सफल हो अब। ए मेरी मासियां, मेरे मायके की मासियां। और थोड़ी देर गप्पे शप्पे लगा लेते हैं, बहुत दिनों के बाद सपना के साथ मिलना हुआ है। पहले हम बहुत इकट्ठे रहते थे जब अंशु वगैरह भी छोटे छोटे होते थे, मैं अपने मायके में बहुत ज़्यादा आती थी सर्दियों को खासकर, तो सपना के साथ बहुत ज़्यादा मिलना होता था। आज बहुत दिन के बाद मतलब बहुत सी बातें करने को, तो वो भी कर लेते बहुत दिनों से बातें नहीं की हमने, तो सच में बहुत कम मिलते हैं अब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ खो गए अपनी अपनी दुनिया में। ये भी अपने काम में बिजी हो गए, हम भी बिजी हो गए, नहीं तो एक साथ ही इनका जो क्वार्टर है रूम था वो एकदम मतलब मेरे मायके में ही था, घर में ही था, हमारे घर में था, तो वहीं पर फिर रोज मिल जाते थे। अब इसका दूर हो गया है, चली गई अपने घर में ही है अब नहीं आती है ज़्यादा, तो कोई फंक्शन हो जाए तभी आ पाती है, नहीं तो नहीं आती है। और बच्चे भी बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो फिर होता ही अब टाइम ही नहीं बचता है। जैसे जैसे अब आदमी अपनी लाइफ में बिजी हो रहा है ना, तो किसी को किसी के साथ मिलने का कोई टाइम नहीं है भाई अब, है ना।
तो जी अब हो गया है खाना खाने का टाइम और हम लोग बैठ गए बैंड में, लेकिन बैंड बहुत कम है, साथ में है बंदू मेरी भतीजी और ये है सपना, अंशु और हमारे ताऊ जी, तीन चार ताऊ जी बैठ गए। तो अब हमारा अपना ही टब्बर है, बाकी सब खाना खा के जा चुके हैं, तो अब हम ही हैं खाना खाने वाले और खा लेते हैं बैंड। और बैंड का खाना बहुत दिन के बाद मज़ा आएगा खाने के लिए, बहुत दिन के बाद तो खा लेते हैं, कर लेते हैं इंजॉय। सबसे पहले आ गए जी चावल और हमारे संजू भाई दे रहे चावल, ये देखिए जी चावल पड़ रहे हैं बैंड में, बैंड में सबसे चावल। ये तीन जने अभी देख रहे हो आप, एक बार थोड़े चेहरे काले आ रहे हैं। विक्की है, विक्की की शादी मैंने दिखाई है, विक्की की वाइफ बंदू और बाकी दो तो पता नहीं है, दोनों के लिए लड़की ढूंढो, दोनों के लिए लड़कियाँ ढूंढो भाई, दोनों के लिए लड़की जो रिश्ता बन रहा है। खा लो सूखे चावल खाने का मजा, हाँ बहुत अच्छा लगता है बैंड के चावल में, ना खुशबू कुछ अलग ही आती है, जो सूखे सूखे खाने को भी मन करता है। और आ गई है पहले दाल, काजू वाली दाल बड़ी आज, कोई बात नहीं, देखो जो नया नया बच्चा हुआ है उसके पापा जो देखो सब्जी दे रहा है, वैसे पहले तो मिला नहीं पाई लेकिन अभी मिला देती हूँ, कांग्रेचुलेशन। तो हमारे सूरज के हुआ है छोटा सा नन्ना सा बच्चा राजकुमार, ठीक है। तो खा लेते आज काजू वाली दाल है, पूरी दाल नहीं पड़ी है आज यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट काम है भाई, छापी मेरा थोड़ा इस तरह से ही बन जाता है कई बार। छापी बोलते हैं इसको, तो छापी में खाना ऐसे ही बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं अच्छा बनता है लेकिन मतलब थोड़ा सा अलग तरह का बनता है, ठीक है। अब हम लोग खा लेते हैं, सब लोग खा रहे हैं, बहुत टेस्टी। तो फ्रेंड्स हम लोग ही लास्ट में शायद खाना खाने वाले बचे हैं, बहुत कम लोग रह गए थे खाना खाने के लिए, बाकी सब लोग जा चुके थे, लेकिन जितना कम टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो जी खाना हम लोग खा बैठे हैं, बहुत ही यम्मी खाना था और अंधेरा भी हो चला है। फाइनली मैं अपने मायके में पहली बार दादी बनी हूँ, दादी बन चुकी हूँ मैं अपने मायके में, वैसे ससुराल में मैं बनी हूँ पहले, लेकिन मायके की दादी अभी पहली बार बनी हूँ, तो मेरे भी पोतू हो गया भाई ये सपना। अंशु, अंशु बुआ बन गई है भाई, अंशु भी बुआ बन गई है। और डांस लग गया है, डीजे का डांस, जय हो, वो देखिए डीजे का डांस लगा हुआ है। भाभी जी की तरफ से शगुन भी आ गया है हमारे को, साथ साथ में यहाँ पे शगुन मिल गया हमारे को। फंक्शन अटेंड करके पहुंच गए घर और किचन में, अब हो रहा है मम्मी का यहाँ पे मालिश। तो इसके बाद मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ और थोड़ी देर मम्मी का खाना पीना तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी को धाम की सब्जियाँ ना शूट नहीं होती, इसलिए उनको हल्का सा खाना बनाएंगे, लाइट सा, जैसे मूंगी की दाल वगैरह या फिर कुछ और जो मम्मी को खाने का मन करे। तो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं रखती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।